अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। उसके लिए हमने वाटर रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब ऑयल, जो वाटर बॉईल होता है, हम पास्ता को कुक कर देते हैं, वाटर बॉईल होता है। अब हम डालेंगे पास्ता। अब हम पास्ता कुक होने तक वेट करते हैं। पास्ते कुक हो गया, अब हम इसको एक बाउल में ले लेते हैं। इस पर एकदम ठंडा पानी डालते हैं ताकि ये स्टिक ना हो। अब हम व्हाइट सॉस बनाना देखते हैं। अब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए बटर। बटर को मेल्ट होने देते हैं। रिफाइंड ऑफ फ्लोर, मैदे का आटा, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसमें डालेंगे दूध, अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना ताकि गुठलियां ना हो। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, साल्ट। हमारा सॉस रेडी हो गया दोस्तों। अब हम बनाएंगे मेन पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें डालेंगे ऑयल, जिंजर और गार्लिक, अदरक लहसुन, डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, कैरेट। अब हम डालेंगे पास्ता। डालेंगे व्हाइट सॉस, अब हम डालेंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। मैं और थोड़ा सॉस डाल दूंगी। हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
मैंने व्हाइट सॉस पास्ता सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये व्हाइट सॉस पास्ता बहुत जूसी रहता है, बहुत टेंडर रहता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। चिल्ड्रंस डे स्पेशल व्हाइट सॉस पास्ता आप भी ट्राई करना ज़रूर। थैंक यू।